ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे फाइनेंस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1970-72 से वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं इतने लंबे सर तक और इतने साफ कुशलता देखो कोई दाग उन पर नहीं लगता है होता सब है उन्होंने अभी ऐसा कहा जब मैं कैशलेस की बात करता उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है अब मुझे बताओ भाई ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं ये 50% गरीबी ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी मनमोहन सिंह जी आप विरोध करें कोई बात नहीं आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं ये मुझे खुशी हो रही है एक युवा नेता है अभी भाषण सीख रहे हैं ऐसे करते हो भी ऐसे करते जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है मेरी खुशी का कोई पार नहीं है ২০০৯ में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है कल मैंने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दो तीन सवाल पूछे भ्रष्टाचार के बारे में उनसे मैंने सवाल पूछे सवाल के जवाब नहीं दिए मगर जो सवाल पूछ रहा था उसका मजाक उड़ाया